क्या आपने इस वीडियो को इस वजह से क्लिक किया है कि आप हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर के पैसे चेक करना चाहते हैं, या फिर आप भी अपने बेनज़ीर की इमदाद को वसूल करना चाहते हैं, या फिर आपको भी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर प्रोग्राम से निकाल दिया था और आप अपनी इमदाद के लिए दोबारा फिर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब खानदानों के लिए इस ईद के मौके पर एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है कि तमाम गरीब खानदानों को जो कि 6 तारीख को तमाम गरीब खवातीन नजरात के जो अकाउंट्स हैं उनमें तमाम जो पेमेंट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दोबारा फिर अप्लाई नहीं किया है, अगर आपको पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से पहले इमदाद नहीं मिल रही थी, या फिर नाइल कर दिया था, या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक था, या फिर आपको किसी भी किस्म का इशू था, तो आप अपने नाम को दोबारा फिर आयल करवा सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से दोबारा फिर डायनेमिक सर्वे का भी आगाज हो चुका है और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब खवातीन हजरात को पेमेंट्स भी मिलना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन आप किस तरीके कार के जरिए पेमेंट चेक करेंगे, किस तरीके कार के जरिए इन प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आप सभी को स्किप नहीं करना, आप सभी को मुकम्मल जरूर से देखना चलेगा इस वीडियो जानबर। तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप इस चैनल पर नए आ चुके, नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जिन खवातीन हजरात को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से पहले इमदादें नहीं दी जा रही थी, हालांकि वो खवातीन हजरात इस इमदाद की हकदार भी थी, गरीब भी थी। तो मैं आपको बता दूं, पहले जो ईद गुजर चुकी ईद उल फितर के मौके पर तमाम गरीब खवातीन हजरात की डायनेमिक सर्वे का आगाज किया गया था, काफी खवातीन हजरात ने अपना डायनेमिक करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन खवातीन हजरात को हुकूमत की जानिब से आहिल भी किया गया और वो खवातीन हजरात इस दफा जो किस्त मिलने वाली है 9,000 रुपए की, वो उनको इंशाल्लाह मिलेगी भी। लेकिन अब दोबारा फिर आप अपना डायनेमिक करवा किस तरह सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में चंद ऐसी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर लाजमी करना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि हुकूमत की जानिब से काफी खवातीन हजरात को पेमेंट्स मिलना भी स्टार्ट हो गए, काफी खवातीन हजरात अपनी इमदाद को ले भी चुकी हैं, लेकिन काफी खवातीन हजरात को अभी तक पेमेंट नहीं भी मिल रही हैं। वो खवातीन हजरात काम क्या करें, उन्होंने अपने घर के किसी भी करीबी BISP के ऑफिस में जाना है, वहां पर जाने के बाद अपना डायनेमिक सर्वे करवाना है। डायनेमिक सर्वे करवाने से पहले आपसे चंद ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो दरकार होते हैं, सिंपल सा काम है। आपने क्या करना है, अपना जो कौमी शिनाख्ती का नंबर है, अगर आप खातून है तो आपने अपना कौमी शिनाख्ती का नंबर साथ लेके जाना है, और अगर आपके शोहर वफात पा चुका तो आपने उनका 10 सर्टिफिकेट साथ लेके जाना है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपने अपने बच्चों का जो बेफाम है वो भी साथ लेके जाना है, और आपसे 64 सवाल भेजे जाएंगे, 64 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, उनका आपने सही से जवाब देना है। जैसे आप सही से जवाब देंगे इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम की जानिब चाइल भी कर दिया जाएगा। और जो खानदानी से इमदाद को लेकर परेशान है कि ये इमदाद कब से मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं इस प्रोग्राम के रिलेटेड 6 तारीख को, यानी कि 6 तारीख को बेनज़ीर की जो इमदादें हैं वो मिलना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप पेमेंट लेना चाहते हैं तो पेमेंट लेने के लिए सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा ट्रिक है, आपने क्या करना, अपना शिनाख्ती कार्ड लेकर किसी भी करीबी शॉप पर चला जाना है, या डिटेल शॉप, या फिर किसी भी करीबी ATM पर चला जाना है शिनाख्ती कार्ड लेकर, वहां से जाकर आप अपनी इमदाद ले सकते हैं। लेकिन इमदाद लेने से पहले आपको अपनी इमदाद को चेक भी करना पड़ेगा, चेक करने के लिए हुकूमत की जानिब से वेबसाइट दी गई है, वो वेब पोर्टल भी पहले वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक नया वेब पोर्टल दिया गया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप इजिली जाकर उसको ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुख्तसर सी अपडेट, मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।